हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आज की डेट है 29 और आज डे है वेडनेसडे। और यहाँ पर सुबह सुबह ये ड्यूटी चले गए थे और बच्चे ना सो रहे थे, तो उस टाइम मैंने क्या किया कि किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। और यहाँ पर जो कपड़े होते हैं गंदे, जो मैं क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ, वही कपड़े मुझे आज वॉश करने हैं, मतलब अच्छे से वॉश करने हैं। वॉश तो डेली ही करती हूँ, बट वो ना ऐसे ही हाथों से वहाँ पर निचोड़ के रख देती हूँ थोड़ा सा लिक्विड सोप लेके, तो ऐसे करती हूँ। बट ये ना मैं आज गर्म पानी में भिगो के रख दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से वॉश कर पाऊँ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक पतीले में गर्म पानी करती हूँ और उसको बॉईल करती हूँ कपड़े को और उसके साथ, और कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं उसे वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। तो इस तरह से वो जो ये जो कपड़ा है वो फ्रिज के ऊपर था, तो वो भी मुझे क्लीन करना था, मतलब फ्रिज ही ऊपर से क्लीन करना था। तो इसी वजह से मैंने सोचा जो कपड़ा भी वॉश कर लेती हूँ, और वो जो कपड़े हैं मैंने जो भिगोने के लिए डाले थे वो भी कपड़े मैं मशीन में वॉश कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने सारे जो कपड़े हैं वो मशीन में डाल दिए, तब तक भीग गए थे एक्चुअली वो कपड़े। आज सुबह सुबह बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा चलो ये वाला काम कर लेती हूँ। तो ये कपड़े मैंने वॉश करने के लिए डाल दिए हैं और देख सकते हो आप कितना ज़्यादा गंदा पानी निकल रहा है इसमें से। डेली मैं इसे वॉश करती हूँ, फिर भी अगर गर्म पानी में आप डालते हो ना तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी निकलता है। और हाँ, किसी ने पूछा था कंपनी के बारे में, तो ये हायर कंपनी से है वॉशिंग मशीन मेरी, बहुत लोगों को पसंद आई है क्योंकि उस दिन मैंने यहाँ पर उसमें ब्लैंकेट धोया था, तो बहुत लोगों ने बोला था मुझे कि ब्लैंकेट हम लोग हमारे इसमें नहीं धो सकते हैं, हमारी वॉशिंग मशीन भी उतने ही लीटर की है बट हमारे इसमें धुलता नहीं है ब्लैंकेट, बट मेरे इसमें तो धुलता है डियर। हायर की मशीन है और बहुत अच्छी मशीन है, रफ एंड टफ है। ये मशीन मैंने अभी भी ली है, मतलब 6 महीने हो गए इस मशीन को लिए हुए। एक्चुअली मेरी जो शादी की मशीन थी वो ख़राब हो गई थी, तो मुझे ना वो लेनी थी फ्रंट लोड वाली मशीन, बट एंड टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वाली मशीन लेती हूँ सेमी ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरी पहली भी मशीन जो थी वो सेमी ऑटोमेटिक ही थी और मुझे उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुए थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एंड टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं सेमी ऑटोमेटिक ही लूँगी, क्योंकि ऑटोमेटिक में इतने ज़्यादा रफ एंड टफ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते उसे, तो इसीलिए मैंने सेमी ऑटोमेटिक ही ली। और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, तो आप आराम से इसे 10 साल तक यूज़ कर सकते हो, 7-8 साल तो आराम से चल जाएगी ये, क्योंकि मेरी जो शादी की मशीन थी वो 12-13 साल चली, मतलब 12 साल तो आराम से चली। उसके बाद मैंने अभी वो चेंज की है, तो यहाँ पर सारी क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। ऊपर का जो फ्लावर पॉट था वो भी मैंने क्लीन कर लिया। अभी ये दवाइयाँ वगैरह ना क्या करते हैं कि यहाँ से मैं ऊपर रखती हूँ ये वाले ड्रॉर में, तो वो निकाल के हमेशा वो फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज के ऊपर रख देते हैं सॉरी, तो फ्रिज के ऊपर ना वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, तो इसी वजह से मैं बार बार वो क्लीन करती हूँ तो अंदर रख देती हूँ, ये बार बार जब लेते हैं तो फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। उनका उनका कहना है कि आगे अगर उनको दिखती है ना तो उनको याद रहता है लेने के लिए, तो इसी वजह से वो आगे ही रखते हैं, बट मुझे ना अजीब सा लगता है वो, तो इसीलिए मैं बार बार अंदर रख देती हूँ। और वहाँ पर फ्लावर पॉट धूप में सुखाने के लिए डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पर आई तो यहाँ पर ये टाइल्स भी मुझे थोड़ी सी गंदी दिखी, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसे भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये ना नीचे नीचे से वाइट है और ऊपर मल्टी कलर्स की लगाए हैं, तो बहुत सुंदर लगती है वैसे वाइट, तो कोई भी चीज़ अगर यूज़ करते हो घर में इंटीरियर के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहता है। अभी ये मैंने वॉशिंग मशीन भी वाइट ही ली है, तो इसका भी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब बार बार इसे भी क्लीन करना पड़ता है। क्लीन मीन्स थोड़ा सा ही वो होता ही है ना, थोड़े से गंदे हाथ लगते हैं तो थोड़ा सा क्लीन करते रहना पड़ता है। जब भी गंदे हाथ लगते हैं तो मैं क्या करती हूँ उसी टाइम क्लीन कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा भी दिखता है और जल्दी गंदा नहीं होता है फिर, मतलब लगे हाथ अगर क्लीन करते हो तो। यहाँ पर जो कपड़े थे मेरे वॉश हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो इसे धूप में सुखाने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि धूप बहुत अच्छे से आ रही थी, तो धूप में सुखाने के लिए भी डाल दूँगी इसे। और अगर धूप में अगर अच्छे से सुखाते हैं ना तो वो कपड़ों की स्मेल नहीं आती है, वैसे भी अभी समर चल रहा है तो समर में शाम तक धूप रहती ही है, बट वो होता है ना कि एकदम जब तेज़ धूप होती है ना तो उस टाइम में अगर कुछ धुलते हैं कपड़े वगैरह तो जल्दी सूख जाते हैं, फिर सूख भी जाते हैं और उसके जम्स वगैरह भी निकल जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो वैसे ही रहता है या कुछ, तो और उसकी बदबू भी नहीं आती है। तो इसलिए मैंने ज़्यादातर क्या करती हूँ कि दोपहर में ही कपड़े धोने की ट्राई करती हूँ, बट जो हमारे शाम के नहाने के कपड़े होते हैं उसे तो मुझे शाम को ही वॉश करना पड़ता है, बट उसे मैं दूसरे दिन धूप में सुखाने के लिए डाल देती हूँ। यहाँ पर ये फ्लावर पॉट सूख गया है अब।
इसे उठा लेती हूँ और रख देती हूँ अपनी जगह पे। देखिए कितना क्लीन लग रहा है। इसके ऊपर का अभी धूला है तो वो सूखने का बाकी है, तो इस वजह से वो वहां पर नहीं रखा है। वो सूख जाएगा तो उसके बाद वो लगा दूंगी अच्छे से। और अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्लावर पॉट। किचन में कोई भी चीज़ रखते हैं ना तो जल्दी गंदी हो जाती है, मतलब वो तेल वगैरह किससे या हम लोग तड़का देते हैं उससे। फिर भी चिमनी है तो इसकी वजह से कुछ इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, फिर भी कभी कभी करना पड़ता है बीच बीच में ये। तो अभी देखिए कितना ज़्यादा चमक रहा है। इसी तरह से एक दिन ये भी फूल करने पड़ेंगे, ये इससे भी वॉश करना पड़ेगा। अभी इतने ज़्यादा गंदे नहीं लग रहे हैं, इसी वजह से वॉश करने का काम नहीं है इसे, बट 4-5 दिन के बाद इसे भी वॉश कर लूँगी, ये अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा किचन क्लीन हो गया है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था किचन। मैंने ट्रॉली जो है ऊपर ऊपर से भी क्लीन कर ली थी। अब देखिए कितना ज़्यादा चमक रहा है, मतलब स्लैब भी बहुत ज़्यादा चमक रहा है। वैसे भी मेरा जो स्लैब है वो ब्लैक कलर का है, तो मैं थोड़ा सा ड्राई कपड़े से और गीले कपड़े से एक बार पोंछ लेती हूँ ना, बहुत अच्छे से चमकता है। बट आज ट्रॉलीज वगैरह भी ऊपर ऊपर से क्लीन किए तो वो भी ज़्यादा चमक रहा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आज किचन में काम करने का मन कर रहा था। वैसे भी मेरा किचन हमेशा क्लीन ही रहता है, बट आज बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा था। सबके लिए चाय बनाई थी, अपने लिए ही मैंने रखी थी, मतलब मैंने पी ही नहीं। यहाँ पर है मेरी चाय। एक्चुअली ना मेरा मन ही नहीं कर रहा था पीने का चाय, तो सबके दे दी थी पहले चाय बना के, और मेरे लिए अभी रख दी थी, तो गर्म करके पी लेती हूँ चाय। चाय गरम कर ली है, अभी चलते हैं बाहर। ये लोग बाहर है तो बाहर बैठ के पीती हुई चाय, थोड़ी इनके साथ बातें करते करते। आज क्या कर रहे हो? आज टू व्हीलर वॉश कर रहे हैं। हाँ, सैनिटाइज टू व्हीलर को। ये देखो, ये अभी बाइक निकाल के रख दी है, तो बाइक को सैनिटाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं सैनिटाइज कैसे? अच्छा वॉश करोगे उसमें डेटॉल के पानी से वॉश करोगे। मुंगी चावली कुठे? तिकडे जायचं नाही, तिकडे नाही जायचं, पप्पांजवळ नाही जायचं, इथे बस बैठो, वहां पे बैठो। हाँ मस्त बनी चाय। मम्मी तुमके पास आड़ा। तुमके पास नहीं ना अद्वी, आपके पास बोलो ना। आपके पास आड़ा नहीं। वॉशिंग पाउडर नहीं है, सनसिल्क शैम्पू के ऐड कर रहे हैं अब। क्या क्या करोगे यार लॉकडाउन में। और हाँ ये हैंकी मैं उधर ही ढूंढ रही थी घर में अंदर, काय के लिए, मतलब मेरा वो किचन क्लीन करने का है ना वो, और आप इधर गाड़ी क्लीन करने के लिए। गाड़ी में दो पड़ी है, पड़ी रहने दो वो कार में। पापा का हैंकी है, मतलब आपने दूसरा वाला लिया? नहीं ये यही है, पापा ने चुराया। अभी पापा चुराने लगे। पापा के गाड़ी में ही रहता है वो, हर बार कब गाड़ी पहुँचने के लिए। किचन के कपड़े भी धोने पड़ेंगे। किचन के कपड़े धो लिए मैंने आज पूरे। मैं लेके आती हूँ वो जो आज मैंने धोया है पूरे। नहीं किचन के कपड़े पूरे धो के रखे मैंने आज। ठीक है क्या, मेरा ही काम है वो। जैसे ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो करते हैं, थैंक यू बोल, मतलब थैंक यू टाइप का बोल रहे हैं। ठीक है चले अभी निकाल लेते हैं कपड़े। अरे यार इसका कलर चेंज हो गया, साथ में डाला तो। चलो अच्छा आज क्लीन हो गया ये। चलिए अपनी जगह पे डाल लेती हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं। नहाना नहीं है क्या आपको? थोड़ी देर में नहा लो, शाम को फ्रेश हो जाना चाहिए बेटा। आज मैं ढोकला बनाने वाली हूँ अब। चलिए ढोकले की रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ।
डालू गुड़ा। सो गाइज यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ ढोकला, और आज का ढोकला मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी कि आपका ढोकला कभी नहीं बिगड़ेगा। तो ये ना बेसन का ढोकला मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर पहले बेसन लेना है और उसे छान लेना है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है उसे छान लेना। उससे क्या होता है कि उसकी एयर निकल जाती है और आपका जो ढोकला है वो बहुत अच्छे से फूलता है। इसके बाद भी कुछ ऐसी टिप्स है जो मैं आज आपको बताऊंगी, उससे आपका ढोकला कभी नहीं बिगड़ेगा। आपका ढोकला हमेशा स्पॉन्जी बनेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर बेसन छान लिया है, उसके बाद मैंने उसमें हल्दी ऐड की है। हल्दी आपको पहले ही ऐड करना है, नहीं तो बहुत से लोगों की कंप्लेंट होती है कि हल्दी ऐड करने से उनका जो ढोकला है वो रेड हो जाता है। बट हल्दी पहले ऐड करनी है आपको। उसके बाद मैंने ऐड किया है नमक, और उसके बाद मैंने ये क्या ऐड किया है आपको पता है, वो ऐड कर रही हूँ मैं नींबू शहद। नींबू का जो पाउडर होता है वो मैं ऐड कर रही हूँ उसमें। आपके पास नहीं है तो आप नींबू भी ऐड कर सकते हो उसमें। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसमें पानी ऐड कर करके अच्छे से आपको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। बस इसी तरह से, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी आपको देखनी है, और एक साइड में ही, एक ही डायरेक्शन में आपको इसे चला लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। और ये बैटर को ना हम लोग अभी नहीं यूज़ करेंगे, एकदम से तुरंत नहीं यूज़ करेंगे। हम लोगों को इसे रेस्ट करना है पाँच से दस मिनट तक हो ही जाता है जब तक हम लोग उधर तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई ढोकले वाली। अगर आपके पास नहीं है तो आप सादी कढ़ाई भी रख सकते हो। मेरे पास ये ढोकले वाली कढ़ाई है, जो इडली वाली नहीं रहती है, उसमें वो स्टैंड आते हैं ढोकले के, तो वो मैंने उसमें रख दी है पानी डाल के। और वो पानी बॉईल होने दूंगी, और उसके बाद मैं तैयारी करूंगी सारी चीज़ों की, मतलब तड़के की। तो यहाँ पर मैं मिर्च काट रही हूँ तड़के के लिए, तो लंबी लंबी मिर्च आपको काट लेनी है आधी आधी करके। तो इस तरह से तड़का लगेगा आपके ढोकले के लिए। तो पहले ही मैं ये सारी चीज़ें कर ले रही हूँ, क्योंकि हमारा जो बैटर है उसे रेस्ट होने देना होता है हमें, तो इसीलिए तब तक मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, तड़का वगैरह बना के रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड किया है, तेल ऐड करूँगी और उसके बाद उसमें ऐड करूँगी राई वगैरह। तो सबसे पहले तब तक तेल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तब तक मैंने क्या किया, मतलब थोड़ा सा भी मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैंने उसे ग्रीस कर लिया, वो जो पतीला नहीं होता है उसे ग्रीस कर लिया। तो यहाँ पर राई डाल दी है, राई चटकने के बाद मैंने जो मिर्ची काट के रखी थी वो डाल दी है, चार मिर्ची मैंने यहाँ पर ली थी। और उसके बाद मैंने चीनी ऐड की है इसमें, थोड़ी सी चीनी ज़्यादा ऐड करनी है ताकि वो अच्छे से मीठा बने। उसके बाद हमें उसमें नमक ऐड करना है, पहले ही हमने नमक ऐड किया था उस बैटर में, बट हमें थोड़ा सा नमक इसमें भी ऐड करना है, एकदम हल्का सा थोड़ा सा। तो बस, और उसके बाद ये बैटर हमारा रेस्ट होने दिया था हमने, तो उसके बाद हमें एक जो पैकेट है वो छोटा वाला पैकेट, एक इनो का पैकेट डाल देना है। एक ये डेढ़ कटोरी मैंने यहाँ पर बेसन लिया था, और उसके बाद मैंने एक पैकेट वो डाल दिया है इनो का। और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी उसमें, और अच्छे से उसे मिक्स कर लूँगी एक ही डायरेक्शन में आपको मिक्स करना है। और आपको कंसिस्टेंसी को देखना है, मतलब ज़्यादा देर भी आपको इसे मिक्स करते बैठना नहीं है, नहीं तो इनो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जब तक नहीं बैटर फूलता है तब तक ही आपको उसे क्या बोलते हैं फेटते रहना है। और बस जब बैटर फूल जाए, उस बैटर को आपको जो आपने स्टैंड ग्रीस करके रखा था उस स्टैंड में डाल देना है, और उसके बाद वो स्टैंड आपको कढ़ाई में रख देना है ढक के। तो अगर आपके पास नहीं है इस तरह का स्टैंड, तो आप कोई भी सादी कढ़ाई ले सकते हो, उसमें पानी ऐड करके उसमें स्टैंड रख के उसमें आप कोई भी एल्यूमिनियम के पतीले को ग्रीस करके आप जो बैटर है आपका उसमें डाल सकते हो, और उसमें आप ढक्कन रख के बना सकते हो इस तरह का ढोकला। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह की कढ़ाई चाहिए, आप सिंपल कढ़ाई में भी बना सकते हो, एक बार ज़रूर बना के देखना। यहाँ पर ढोकला बनाने के लिए डाल दिया है, और 10 से 15 मिनट के बाद हम लोग इसे चेक करेंगे हुआ कि नहीं, और फिर उसके बाद अगर नहीं हुआ होगा तो थोड़ी देर और रखेंगे, और हुआ होगा तो निकाल लेंगे। मेरी गाड़ी भी क्लीन हो रही है। अरे वाह, क्या कितने साल हो गए? 6 साल हो गए गाड़ी को।
हाँ नहीं, 6 साल हुआ है, 7 साल थोड़ी ना हुआ है, 6 साल हुआ है। अद्विक की गाड़ी क्लीन कर दो, अद्विक आपकी भी गाड़ी क्लीन कर देते। अरे अच्छे से करो ना। हाँ हाँ यहाँ पे, हाँ हाँ बस। सारा काम किसने किया? पापा ने। और आप हार गए? पापा जीत गए। पापा जीत गए, सारा काम किया पापा ने, इसलिए पापा की गलती कैसे है? आपकी गलती है, आपने काम नहीं किया। आपने बढ़िया काम नहीं किया, पापा ने बढ़िया काम किया। आपकी एज नहीं है बेटा काम करने की, बड़े होने के बाद काम ही करना है। पापा ने बढ़िया काम किया और मैंने बढ़िया काम नहीं किया, इसी वजह से पापा झाड़ू को पानी दिया क्या आपने? तो आप और झाड़ू को पानी दो फिर। आप तू गाड़ी ला, स्प्रे मारा है नहीं। आप सैनिटाइज करो गाड़ी को, ठीक है? फिर क्यों गुस्सा क्यों कर रहे हो? गाड़ी धोनी है आपको? बड़ी वाली धो गई, ये वाली। अच्छा आप बड़े नहीं हो, बड़ी वाली दोगे तो बड़ी नहीं हो आप। बड़े नहीं हूँ पापा। हाँ। मैं आता नहीं था, मैं दोगों मीडियम करूँ। हाँ। दोगों नहीं। मैं टेप्ले कर दूँ। मतलब वाइपर वाइपर मारूँ तो? मतलब ये बोल वाइपर मारूँ तो? बस 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 अद्विक। अरे बाप रे इतने काम, आज तो अद्विक बहुत सारे काम कर रहा है। अद्विक मेरे कदमों के ऊपर लग रहा है, मुझे मुझे जैसे पापा वैसे करेगा लग रहा है। क्यों जी? अद्विक जैसे पापा है वैसे करेगा लग रहा है। यहाँ पर माही भगवान का डॉल क्लीन कर रही है बैठे बैठे। थैंक यू बेटा, कर लो कर लो। अच्छा है, कम से कम वो तो क्लीन हो जाएगा। माही का कोई भी काम बहुत अच्छे से होता है, मतलब बहुत अच्छा करती है वो, दिल लगा के करती है कोई भी काम। हाँ जब से ये शाम को क्लीन कर रहे हैं ना, तब से मुझे सुबह क्लीन नहीं करना पड़ रहा है, नहीं तो मेरी सुबह की ड्यूटी यही रहती थी। और अभी इन्होंने ड्यूटी ले ली, वो शाम को अभी क्लीन कर रहे, तो सुबह इतना ज्यादा गंदा नहीं होता है, सुबह मैं क्लीन ही नहीं कर रही, मतलब ये पानी वानी डाल के जो ये वाइपर से क्लीन नहीं करते वो नहीं क्लीन कर रही हूँ, सिर्फ झाड़ू मारा और हो गया, मेरा काम ले लिया इन्होंने, मुझे आराम मिल रहा है लॉकडाउन में। सब अपना अपना काम कर रहे, नहीं तो क्या। हाँ बराबर है, कुकिंग नहीं, कुकिंग में भी हेल्प कर रहे हो आप, शॉपिंग वगैरह में कर ले तो दिया। नहीं फिर भी उतना ही काफी है यार, उतना तो नहीं मरेंगे, जब कोई आपत आएगी खुद का कर सकते हैं। ये तो बराबर है। हाँ को हर चीज आना चाहिए, अगर मैं मायके गई तो आपको करना आना चाहिए। मायके जाती नहीं हूँ। ये यार बोल बोल के थक गया मुझे, मायके जाओ मायके जाओ, मैं मायके नहीं जाती। पहली औरत देख रहा हूँ बोलती है कि मायके नहीं जाती है। अरे ये मुझे बोल बोल के थक जाते हैं कि आप मायके तो मतलब एक दो दिन के लिए तो जाओ बट जाओ। अरे यार अद्री इनको आजाद जीने दो, आजादी नहीं मिल पाती है यार हस्बैंड को मेरे। हर किसी का नहीं, बाकी की वाइफ जाती है ना, तरसती है बाकी की वाइफ। गवर्नमेंट सर्वेंट को
महीने में साल में कम से कम 2 महीने 1 महीने छुट्टी मिलती है उतना भी नहीं। गवर्नमेंट सर्वेंट को बोलते साल में महीना भर तो छुट्टी मिलती है बट तुम उतना भी नहीं लेती हो। मैं जाती नहीं हूँ मायके, और जाती भी हूँ ना एक दिन में 1 से 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रहती हूँ, उसके बाद चली आती हूँ घर पे। और घर आने के बाद तो इतना सारा दिखता है, इसी वजह से मेरा मन ही नहीं करता जाने का। उधर से आने के बाद फिर दोबारा से काम में लगना पड़ता है। अंदर आ गई ढोकला चेक करने के लिए। हो गया, हो गया ढोकला, 1 मिनट चेक करके देखती हूँ। बस अभी इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद निकालते हैं, और उसके बाद उसमें वो जो पानी बना के रखा है हमने खट्टा मीठा, वो पानी डालेंगे, मीठा वाला, खट्टा मीठा नहीं, खट्टा नहीं, मीठा पानी वो डाल देंगे उस पर। तो गाइस ढोकला हमारा यहाँ पर ठंडा हो गया था, तो उसके बाद हम लोग इसे कट करना है। और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है, आप दबाने से आपको दिख रहा होगा, पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे से ग्लाइड हो रहा है उसमें से जो चाकू है वो, और आपको स्पंज तो पता चल ही गया होगा, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है इस तरह से आप बनाओगे तो। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आपका ढोकला कैसा बना है। और इस तरह से अगर आप बनाते हो ना तो कभी आपका ढोकला नहीं बिगड़ेगा, कभी नहीं, मैं गारंटी लेती हूँ इसकी, आप लिख के ले लो मुझसे। तो यहाँ पर बस इस तरह से इसमें जो पानी हमने ऐड किया था, मतलब पानी हमने जो बना के रखा था वो ऐड करना है, और बस इस तरह से स्प्रेड करते हुए हमें पानी ऐड करना है उसमें। तो पानी जो है वो ढोकला सोख कर लेता है, जितना पानी उसमें पचता है, जैसे जैसे मैं पानी डाल रही हूँ आप देख सकते हो ढोकला पानी सोख कर ले रहा है, थोड़ा सा भी पानी ऊपर नहीं दिख रहा है आपको। इसमें मैंने एक बड़ा ग्लास पानी डाला था तो आपको थोड़ा सा भी पानी ऊपर नहीं दिखेगा, सोख कर लेगा, बहुत सारा पी लेता है ढोकला ये वाला पानी। जब तक ये सोख करता है तब तक आपको डाल देना है अंदाजे से पानी उसमें, और उसके बाद तुरंत नहीं निकालना है उसे, थोड़ी देर और रेस्ट करने देना है उसको, और फिर 10 मिनट तक तो आपको रेस्ट करने ही देना है उसे, और फिर आपको निकालना है उसे। तो वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनेगा आपका ढोकला। यहाँ पर मेरा जो ढोकला है वो रेडी हो गया था और मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। प्यारे से सब्सक्राइबर है, उनका 4th मंथ चल रहा है, तो उन्होंने मुझसे आज पूछा था कि उनको मिल्क पसंद नहीं है फिर भी घर वाले ज़बरदस्ती से पिलाते हैं और उन्हें पीना पसंद नहीं है, तो उसके बदले वो क्या ले सकती है। तो डियर प्रेगनेंसी में कैसा होता है कि जो हमें पसंद नहीं है वो भी हमें खाना पीना पड़ता है हमारे बेबी के लिए, वो हमारे लिए नहीं होता है, वो हमारे बेबी के लिए हमें खाना पीना पड़ता है। मुझे भी नहीं पसंद था मिल्क, बट मैं माही के टाइम पे, अद्वी के टाइम पे मैंने 9 महीने तक मिल्क पिया, और थोड़ा सा अद्वी के टाइम पे वो हो गया था उल्टियों की वजह से, बट माही के टाइम पे तो 9 महीने तक मैंने मिल्क पिया, नाक बंद कर करके मैं पीती थी बट पीना पड़ता था। और आप उसके बदले तो मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ, बट आप प्रोटीन ज़्यादा लीजिए अपने डाइट में, जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गया, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा लीजिए। और हाँ, आप रसगुल्ला भी खा सकते हो, बट आप थोड़ा सा मीठा कम खाइए। रसगुल्ला आप खा सकते हो, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मीठा आप थोड़ा सा कम खाने की कोशिश करिए, और स्पाइसी कम खाइए इस टाइम में, और दही, दूध, जैसे दूध की जो भी चीज़ें बनी होती है, चीज़, पनीर, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा खाइए तो आपके लिए सही रहेगा। प्रोटीन ज़्यादा लीजिए,
कैल्शियम जिसमें ज़्यादा है वो चीज़ें लीजिए, जैसे कि दालें वाले हो गई, मतलब जो स्प्राउट्स हो गए, वो सारी चीज़ें ज़्यादा खाइए तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और बस चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और नाम लेने का टाइम आ गया है। तो फर्स्ट नाम है अंशु कुमारी और सेकंड नाम है प्रतिभा गायकवाड़, ने रिक्वेस्ट की थी उनके बेटे का नाम लेने के लिए और उनका नाम लेने के लिए, तो उनका नाम तो आ गया है, उनके बेटे का नाम है अर्णव। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। और हाँ चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। और हाँ, जिन जिन का नाम इस ब्लॉग में नहीं आया है तो प्लीज़ आप नाराज मत होइएगा, इस ब्लॉग पे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो अपना नाम और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपका नाम लेने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियो, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हो तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तो उसके बाजू में जो बेल आइकॉन होता है उसको दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको मेरे न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।